हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ओनिडा का फायर टीवी है जो कि अमेजोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस टीवी में उसकी ये मेल आईडी से चलता है, अमेजोन आईडी से चलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अगर अमेजोन आईडी है तो हम उसको टीवी को कैसे एक्सेस करते हैं, जिससे कि उनके फीचर्स और ऐप्स को यूज किया जा सके। ये हमारा जो है, सबसे पहले टीवी को किसी अपने मोबाइल के या ब्रॉडबैंड के वाईफाई से कनेक्ट कराना होगा। सर्चिंग नेटवर्क कर रहा है अभी टीवी हमारा, तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल का वाईफाई जो है कनेक्ट करा रहे हैं। उसका पासवर्ड उसमें हमें पहले डालना है कनेक्ट कराने के लिए, क्योंकि किसी भी वाईफाई को कनेक्ट कराने के लिए ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब हम कनेक्ट करेंगे नेटवर्क से। ये टीवी हमारा जो है वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। कनेक्शन सक्सेसफुल। फायर टीवी चेकिंग फॉर अपडेट्स, ये इसलिए चेकिंग करता है क्योंकि अगर अमेज़न कोई भी अपना अपडेट्स रिलीज करता है वहां से, तो बाय डिफॉल्ट वहां से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर देता है, जिससे कि नए अपडेट्स जो है टीवी में आए हुए हैं वो मिल जाए, रिसीव हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है। पहला है हैव एन अकाउंट साइन इन। अगर आपके पास पहले से अमेजोन आईडी बनी हुई है तब यहाँ पे उसको लिंक कैसे करें, यहाँ पे ये दिखाया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है न्यू अमेजोन क्रिएट एन अकाउंट, मतलब कि आपके पास अमेजोन की कोई अकाउंट आईडी नहीं है तो कैसे बनाए वो हम बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल अभी हम देखते हैं हैव एन अकाउंट साइन इन, इस पर मैंने टैप किया। यहाँ पे आप बता रहा है स्टेप वन, साइन इन टू योर अमेजोन अकाउंट एट amazon.in/code। अब हमारे पास जैसे कि मोबाइल में ऑलरेडी हमने लॉगिन कर रखा है अपना अमेजोन आईडी, तो उस पर ये जो नीचे कोड दिया है स्टेप टू वाला, इंटर एक्टिवेशन कोड व्हेन प्रॉम्प्टेड, जो कोड है हमें वो ब्राउजर में किसी अमेजोन आईडी लॉगिन करके उसमें वो कोड इंटर करना होगा। तो आइए हम देखते हैं मोबाइल पे कैसे। तो ये हम अपने मोबाइल में वो जो कोड स्क्रीन पे दिया हुआ था स्टेप टू के डालने वाला, टीवी में जो कोड दिया था अमेजोन का, वो हम अपने ब्राउज़र जो कि गूगल क्रोम है हमारा, हमारे पास में वो हमने खोल लिया। यहाँ पे हम अमेजोन पहले सबसे खोलेंगे। amazon.in जैसा कि पहले स्टेप पे दिया हुआ था। अब यहाँ पे चूँकि जो मेरी आईडी लॉगिन है यहाँ पे दिखा रही है योर अकाउंट करके, इसका मतलब मेरी आईडी पहले से ब्राउज़र में लॉगिन है। तो हमें यहाँ पे सर्च बार जो है गूगल क्रोम का, वहाँ पे टाइप करना होगा जो टीवी में दिया था amazon.in/code। ये करके जैसे ही हम गो करेंगे तो हमारे टीवी में जो कोड दिया हुआ है वो मांगने के लिए एक नया विंडो अमेजोन जो है खुल जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड हमें देना है क्योंकि लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है, बिना लॉगिन के ये हमारा कोड डलेगा नहीं और टीवी का आगे का स्क्रीन आएगा नहीं। यहाँ पे कैप्चा ये वेरीफाई करवाना है क्योंकि एक बार गलत शायद पासवर्ड डल गया था। साइन इन करते हैं। ये यहाँ पे आ गया, रजिस्टर योर डिवाइस, इंटर द कोड दैट यू फाउंड ऑन योर डिवाइस सो वी कैन रजिस्टर इट विद योर अमेजोन अकाउंट। तो हमारे टीवी के स्क्रीन पे जो कोड अभी आ रहा था वो जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, ये कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में डालना है। इसलिए हम इसको जैसा एज इट इज टीवी में दिया हुआ है वैसा ही इंटर करेंगे। ये मैंने कोड इंटर कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, अब यहाँ पे ये मांग रहा है आपका एड्रेस, क्योंकि होता क्या है कई बार जो है कंट्री रीजन सेटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से वो यूट्यूब वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड वगैरह पूरा इंटर करना है जिससे कि कंट्री वेरीफाई कर सके।
यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर डाल देंगे, एट एन एड्रेस। फोन नंबर पूरा एड्रेस फिल करना है, एक भी हम कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। फ़ोन नंबर अपना डालेंगे हम यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस सक्सेसफुल्ली, योर रजिस्ट्रेशन इज़ नाउ कंप्लीट। इसको घुमा लो, गया वाला वीडियो चला गया। रुक जा, चलो। तो वहाँ पे कोड डालने के बाद में हमारे पास जो हमारी टीवी डिस्प्ले करती है नेक्स्ट स्क्रीन, ये होगी यहाँ पे, दिस टीवी विल बी रजिस्टर्ड योर अमेजोन अकाउंट। अगर अकाउंट दूसरा डालना है तो यहाँ से चेंज अकाउंट पे जाके जो आपके पास पहले से अमेजोन अकाउंट है वो इंटर करके लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसी अकाउंट के लिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन मांगता जा रहा है, सेटिंग वाईफाई पासवर्ड, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पासवर्ड नहीं पूछेगा इसको, या से कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। चेकिंग फॉर बैकअप्स, जो पहले सेटिंग्स थी उनको रिट्राइव करने के लिए बोल रहा है। नो पैटर्न एंड कंट्रोल, ये क्या होता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखने के लिए लगाया जाता है। टीवी हमारा लोडिंग कर रहा है अमेजोन आईडी के साथ में। वॉच द लेटेस्ट मूवी एक्सक्लूसिव टीवी शोज एज वेल एज अवार्ड विनिंग, कंटिन्यू यहाँ पे कर देंगे। चूज ऐप से पूछ रहा है, जो भी ऐप्स आपको स्टार्टिंग में चाहिए वो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नो थैंक्स करके आगे बढ़ जाइए। सेटअप लेटर यहाँ पे प्रेस करेंगे, ओके। यहाँ पे किस अकाउंट के साथ आगे चलाना चाहते हैं, हमने जो रजिस्टर्ड आईडी है उसके साथ नेक्स्ट कर दिया है। तो अब ये हमारा अमेजोन आईडी डालने के बाद पेज खुल गया है हमें। जैसे अब इसके बाद में सबसे पहले YouTube चलाना है, ऐप्स में जाएंगे हम, YouTube हमें ओपन करना है जो कि प्री इंस्टॉल्ड है, बट कुछ अगर हो सकता है अपडेट्स की वजह से ना भी ओपन हो तो इसे दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो गेट वाला ऑप्शन है, डाउनलोड ऑप्शन, डाउनलोड एरो जो बना है, इस पर हम लोग ओके का बटन प्रेस करेंगे, प्रोसेसिंग करके ये डाउनलोड करेगा, उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद ओपन हो जाएगा। डाउनलोडिंग प्रोसेस में है। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, ओपन का ऑप्शन आ गया है। इसको सेलेक्ट करते ही YouTube जो है हमारा लॉन्च हो जाएगा टीवी के डिस्प्ले स्क्रीन पे। तो हमारा ये फाइनली Amazon आईडी के साथ में टीवी चल चुका है और YouTube जो है वो भी इंस्टॉल होने के बाद चल रहा है। अब आप कुछ भी यहाँ से वीडियो जो आपको देखना है चला सकते हैं। थैंक यू।